नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्र घंटा का ध्यान, मस्तक पर है अर्थ चंद्र, मंद मंद मुस्कान, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र रखे खड्ग संग बांध, घंटे के शब्द से हरती दुष्ट के प्राण, सिंहवाहिनी दुर्गा का चमके स्वर्ण शरीर, करती विपता शांति हरे भक्त की पीर, मधुर वाणी को बोल कर सबको देती ज्ञान, जितने देवी देवता सभी करे सम्मान, अपने शांत स्वभाव से सबका करती ध्यान, भव सागर में फंसा हूँ मैं, करो मेरा कल्याण, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, जय चंद्र घंटा माँ, जय चंद्र घंटा माँ। नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 रूपों की पूजा होती है। माँ के हर रूप का अलग महत्व है और उनके पूजन विधि भी उनके स्वरूप के अनुसार है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना की जाती है। चंद्र घंटा रूप में माँ पहली बार आदिशक्ति की भांति 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए नजर आती हैं। इनके 10 हाथों में कमल, शंख, खड्ग, तलवार, डाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष से भरा तरकश है। इस देवी के मस्तक में घंटा के आकार का अर्थ चंद्र है, इसलिए इनका नाम चंद्र घंटा है। इनके चंड भयंकर घंटे की ध्वनि से सभी दुष्टों, दैत्य, दानव एवं असुरों का नाश होता है। चंद्र घंटा को स्वर की देवी भी कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा की जिस पर कृपा होती है उसका स्वर मधुर होता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है, फिर भी मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। इनका वाहन सिंह है। इनकी पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है और अपार साहस प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा के पूजा के पीछे कारण यह है कि माता के पहले और दूसरे रूप तो भगवान शिव जी को पाने के लिए है। जब माँ भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त कर लेती हैं तो आदिशक्ति रूप में आ जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन की तीसरी बड़ी घटना के रूप में उन्हें अपने प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। आराधना से मनुष्य के हृदय से अहंकार का नाश होता है तथा वह शांति की प्राप्ति कर प्रसन्न होता है। माँ चंद्रघंटा भक्तों को निरोग रखकर उन्हें वैभव तथा ऐश्वर्य प्रदान करती है। प्रेत बाधा जैसे समस्याओं से भी माँ साधक की रक्षा करती है। इस दिन भी आप सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा अर्चना करें, फिर माता के परिवार के देवता गणेश, कार्तिकेय, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी एवं जया विजया नामक योगिनी की पूजा करें, फिर देवी चंद्र घंटा की पूजा अर्चना करें। तीसरे दिन की पूजा में माता की चौकी पर माता चंद्र घंटा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगाजल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें। माँ चंद्र घंटा को दूध और उससे बनी चीजों का भोग लगाएं। इसमें माँ चंद्र घंटा को मखानी की खीर का भोग लगाना श्रेयस्कर माना गया है। इसी का दान भी करें। ऐसा करने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। माँ चंद्र घंटा को लाल फूल चढ़ाएं, लाल सेब और गुड़ चढ़ाएं, घंटा बजाकर पूजा करें, ढोल और नगाड़े बजाकर पूजा और आरती करें, शत्रुओं की हार होगी। ओम देवी चंद्र घंटायै नमः मंत्रोच्चारण से पूजा करें। माँ चंद्र घंटा ध्यान मंत्र। वंदे वांछितलाभाय चंद्राधिकृत शेखरम सिंहारूढ़ा चंद्र घंटा यशस्विनीम मणिपुर स्थिताम तृतीय दुर्गा त्रिनेत्राम खड्ग गदा त्रिशूल चापशर पद्म कमंडलु माला वराभीतकराम पटाम्बर परिधानाम मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीरहार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना विबाधारा कांता कपोलाम तुंग कुचाम कमनीयाम लावण्याम क्षीणकटी नितंबनीम। अब सुने माँ चंद्र घंटा स्तोत्र पाठ। आपदुद्धारिणी त्वम ही आध्या शक्ति ही शुभ पराम अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्र घंटा प्रणमाभ्यहम चंद्रमुखी इष्टदात्री
इष्टम मंत्र स्वरूपनीम धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाभ्यहम नाना रूप धारिणी इच्छा नयी ऐश्वर्यदायिनी सौभाग्यारोग्यदायिनी चंद्रघंटा प्रणमाभ्यहम। अब सुनी माँ चंद्रघंटा कवच, रहस्यम श्रुणु वक्षयामी शैवेशी कमलानने श्री चंद्रघंटास्य कवचम सर्वसिद्धिदायकम बिना न्यासम बिना विनियोगम बिना शापोद्धा बिना होमम स्नानम शौचादि नास्ति श्रद्धा मात्रेन सिद्धिदाम कुशिष्याम कुटिलाय वंचकाय निंदकाय च न दातव्यम न दातव्यम न दातव्यम कदाचितम। अब वीडियो के अंतिम भाग में सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुख धाम पूर्ण की जो मेरे काम चंद्र समान तू शीतल दाती चंद्र तेज किरणों में समाती क्रोध को शांत बनाने वाली मीठे बोल सिखाने वाली मन की मौलक मन भाती हो चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली हर संकट में बचाने वाली हर बुधवार जो तुझे ध्याए श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए मूर्ति चंद्र आकार बनाए सन्मुख घी की ज्योत जलाए शीश झुका कहे मन की बाता पूर्ण आस करो जग दाता कांचीपुर स्थान तुम्हारा कर्नाटका में मान तुम्हारा नाम तेरा रटु महारानी भक्त की रक्षा करो भवानी। दोस्तों ये था आज का वीडियो। कल है नवरात्रों का चौथा दिन माँ कूष्मांडा का दिन, तो हमसे बने रहिएगा माँ कूष्मांडा की कथा सुनने। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।